यहाँ बालू माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया, माफियाओं का राज हो गया। ये लोकतंत्र के हत्यारे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। जीतन राम मांझी की पार्टी हम और भारतीय जनता पार्टी ने आज पटना की सड़कों को जाम कर दिया है। दरअसल नीतीश कुमार के द्वारा जो जीतन राम मांझी पर टिप्पणी कसी गई थी, उससे भारतीय जनता पार्टी काफ़ी ज़्यादा नाराज है। हम पार्टी के जो सुप्रीमो कह सकते हैं जीतन राम मांझी, उन्होंने जिस तरीके से नाराज़गी जताई थी अपने ऊपर हो रहे हमले पर, नीतीश कुमार के द्वारा जो बातें कही गई थी, इससे वो काफ़ी ज़्यादा आहत थे, परेशान थे, और इस वजह से आज पटना की सड़कों पर अपने पार्टी के तरफ से, एनडीए गठबंधन के तरफ से, वो नीतीश कुमार के खिलाफ मौन प्रदर्शन करने के लिए उतरे हुए थे। लेकिन जैसे ही मौन प्रदर्शन करने के लिए वो आगे बढ़ते हैं, उनको बिहार पुलिस के द्वारा रोक लिया जाता है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, वो नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेताओं का जमावड़ा पटना की सड़कों पर देखने को मिला। जीतन राम मांझी का खुलकर समर्थन भी करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ हो रहा है, जीतन राम मांझी क्या कह रहे हैं, सम्राट चौधरी ने क्या कहा है, तमाम बातों को एक बार सुनिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति पर आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी के नेतृत्व में जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर बलियार्पण करने आए थे, मौन धारण करने आए थे, इसको नहीं करने देना ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये लोकतंत्र की हत्या है। और जिस तरह बिहार की स्थिति बिहार में उत्पन्न हुई है, यहाँ बालू माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया, माफियाओं का राज हो गया और मुख्यमंत्री बीमार चल रहे हैं। अब बीमार का इलाज होना चाहिए, इसलिए बिहार की स्थिति को देखते हुए आज जो स्थिति बनी है उससे स्पष्ट झलकता है कि बिहार में कोई कानून का राज स्थापित नहीं है। लोकतंत्र की हत्या लगातार हो रही है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी आदरणीय जीतन राम मांझी जी को पूर्ण समर्थन करती है। और जो अपमान इनका हुआ है, उस अपमान का बदला बिहार की जनता लेने का काम करेगी। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को पद पर रहने का योग नहीं से हटाना चाहिए, और बिहार में हर हाल में सुशासन स्थापित करने के लिए दोनों को पद से हटाना बहुत आवश्यक है। आज जिस तरह से बाईपास में दलितों की हत्या, बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को तोड़ना, जिस तरह से पटना के अंदर हत्याओं की दौड़ चल रही है, और जिस तरह से संवैधानिक पद पर रहे हुए व्यक्ति का अपमान करना, ये पूरी तरह से अराजकता का माहौल है, और इनको सत्ता से हर हाल में हटाना होगा, ये रहने के योग्य नहीं है। दर्शन करने के भी अनुमति नहीं मिला है विजय सिन्हा जी, गेट बंद। ये लोकतंत्र के हत्यारे हैं, लोकतंत्र के हत्या करने वाले, जिसे संविधान में विश्वास नहीं है, संवैधानिक संस्था का सम्मान करने वाले लोग नहीं हैं, ये भ्रष्टाचारी वंशवादी घमंडिया लोग को बिहार की सत्ता से बाहर करने तक अब लड़ाई जारी रहेगी। ये भूल गए कि जंगल राज को हमने हटाया था, और आपने सदन में जब हम कहे थे तो लोग हंसता था। हमने कहा कि ये जंगल राज का उत्तराधिकारी गुंडा राज स्थापित कर रहा है, और आज गुंडा राज साबित हो रहा है। ये गुंडा राज स्थापित करने वाले को बिहार से खदेड़ना होगा, बिहार से भगाना होगा। पूरी तरह से अराजकता है। जब गुंडे शासन में बैठे हों, अपराधी भ्रष्टाचारी शासन में बैठा हो और शासन से संरक्षण मिले, तो बिहार के अंदर कोई भी घटना घटित हो सकती है। ये लोग पूरी तरह से माफिया के शिकंजे में है, माफिया और गुंडों की सरकार चल रही है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे वो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।